खुलने वाले हैं डेडिकेटेड, वो दूसरी तिमाही FY23 से यानी अगले 2-4 महीनों में शुरू हो जाएगा और वहां से रेवेन्यू आना शुरू होंगे। अगर हम कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करें तो 2 quarters रह के नई नई कैपेसिटीज किकिंग होगी, तो आगे की जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो अच्छी रहेगी और जो सेगमेंटल परफॉर्मेंस है, फ्लोरो गैसेस का परफॉर्मेंस है, वो आगे बढ़ के इम्प्रूव होने वाला है। SRF ने भी अपने कॉमेंट्री में यही कहा कि केमिकल बिजनेस मजबूत करेगा, नवीन सोरी ने भी वही कहा। सिमिलरली काफी सारा ओवरलैप इन दोनों तीनों कंपनीज में है, तो कहीं ना कहीं ये जो मैनेजमेंट कॉमेंट्री ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स और जो रेजिलियंस दिखाया है मार्जिन पे, क्योंकि लोगों को लगता था कि शायद ये स्पेशलिटी केमिकल वालों की मार्जिन आपको नीचे आते हुए दिखाई देंगे, वैसा कुछ हुआ नहीं क्वार्टर में। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने इम्प्रूवमेंट के बारे में बात की, तो कहीं ना कहीं वही कमेंट्री के बाद आपको स्टेडिली 1-4% के गैपअप के बाद लगभग 12% ऊपर लगभग अपने डेज हाई पे ट्रैवल करता हुआ नवीन फ्लोरी। रखिए भाई, सबको कंसर्न थे केमिकल स्टॉक्स के मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होना, उल्टा एक्सपैंड होना। और कल के जब मैं देख रहा था इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, तीन अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स, तीनों बिजनेस वर्टिकल्स के अलग अलग सीईओ, तीनों बिजनेस वर्टिकल्स के अलग अलग पीएनएल, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग तीन डिस्ट्रेंट बिजनेस के तौर पे नवीन फ्लोरीन ऑपरेट हो। इसीलिए आज पूरा सेक्टर देखो ना, दीपक नाइट्राइल्स सब फट गए जबरदस्त।